छोटे से धर्म से ताल्लुक रखने वाला का बच्चा बन सकता है। क्यों? हमारे यहाँ आलिम दीन कहा जाता है उसको जिसने चटाई पर सूखी रोटी खाकर तालीम हासिल किया हो, पैरों में रगड़े लगाकर नींद को कुर्बान करके तालीम हासिल किया हो, हमारे यहाँ उसको ज्ञानी कहा जाता है। यतीन अर्थी आनंद सरस्वती पैदाइशी ब्राह्मण होने की वजह से अपने आप को अगर पंडित कहता है तो यतीन अर्थी आनंद सरस्वती को मैं चैलेंज करता हूँ। उसे आनंद सरस्वती को मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे उलमा जो आपके वेद पे पढ़ते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपके वेद में कहा जाता है यही मन परम गोहय मुक्त देश में विदाश्यति भक्ति मई काम कृत्वा मामेश संशय। उसके ग्रंथ में लिखा हुआ है जो कि नरसिंह आनंद सरस्वती जाहिल नापाक पेशाब भी कर बनने वाले इंसान को मालूम नहीं है क्योंकि वो पढ़ के नहीं बना है, वो पढ़ा नहीं है, वो व्हाट्सएप यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से कुछ सीख लिया है तो लोगों के बीच आकर किसी के प्रोफेट के बारे में जहर उगल देता है। यही मम परम देश कि इस धरती पर उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है जो मेरी ग्रंथों को पढ़े, मेरी किताबों को पढ़े और मेरे भक्तों तक बताए, मेरे भक्तों तक पहुंचाए और अंत में मेरी परम भक्ति को पाकर मुझसे लीन हो जाए। आगे बढ़ा रहे हैं उसी के वेद में कहा जा रहा है यतीन अर्थिंग सरस्वती तुम जिस हुकूमत के पर्दे के पीछे, तुम जिस सुपर पावर के पीछे बोलते हो, याद रखो यदा यथा ही धर्म से ही गला निर्मता भारत अद्भुत कानम धर्मस्या तदा प्रेम श्री जानवियाम पवित्र आना साधना बिना शादी काम धर्म संस्थापना कार्य संभव में युगे युगे। कि जब 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 धर्म का अधर्म हुआ है, जब 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 धर्म का विनाश हुआ है, धर्म गुरुओं का अपमान हुआ है तो ईश्वर खुद धरती पर मानव का अवतार लेकर आया है। तुम्हारे ग्रंथों से मैं बता देना चाहता हूँ राम को जैसे तुम विष्णु का अवतार मानते हो, जिसलिए इसलिए आया राम कि वो रावण